2,34,00,000 की लागत नाल RCC जिहड़ी सीमेंट की सड़क है वह प्रताप चौंक तो चल के भगवान चौंक तक 22 फुट दोनों साइड बननी है, क्योंकि इतने बहुत ज़्यादा दिक्कत सी लोगों को, सड़क लंबे समय से टुटी सी। इतने दुकानदार भी गल्लां कर रहे थे भी पता नहीं किन्ने सालों बाद सड़क बन रही। ये सड़क है जो 20 साल से ऐसी पड़ी थी, और यहाँ हमारे एरिए में से पहले मेयर भी हमारे थे गोलवड़िया साहब, इसी हल्के के थे 41 नंबर वार्ड के थे ना, तो उन्होंने कोई काम किया। और 10 साल हमारे यहाँ सिमरजीत सिंह बैंस, वो भी यहाँ के MLA रहे हैं, उनसे भी बहुत गुजारिश किया, मोहल्लों वाले ने बहुत जाके उनके पास भी बेनती किया कि ये रोड को, हालांकि वो हर रोज़ मेयर भी और हमारे MLA साहब भी इसी रोड से 10-10 बार गुजरते थे, मगर किसी ने भी इस रोड के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। ये गिल रोड पहले GNA के सामने उसका उद्घाटन किया था, वो काम चल रहा है, फिर दुगरी रोड को चालू किया, आज ये तीसरा उद्घाटन है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। 10 दिन में इन्होंने हमारा ये कार्रवाई कर दिया, उससे पहले इन्होंने GNA के सामने उद्घाटन किया, वो रोड का बहुत बुरा हाल था, उससे पहले चालू किया अपनी दुगरी रोड वाली 2 फेस वाली, वो भी बंद पड़ी थी, उसका उद्घाटन किया, और अब हमारे एरिया का 41 नंबर वार्ड का 41 और 50 नंबर वार्ड, ये 2 वार्ड पड़ते हैं, ये प्रताप चौक से लेकर और भगवान चौक तक ये RCC वाली रोड बन रही है, 22 फुट इधर होगा 22 फुट उधर होगा। इसको मॉडल हल्का आत्मनगर बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, जहां तक भी ज़रूरत है विकास की वहां उसको पहल के आधार पर। देखो मेरी ड्यूटी आत्मनगर की है, साथ में मैडम की है, और मेरे साथ में गोगी जी हैं, उनकी ये गिल हल्का भी मेरे साथ बढ़ता है, वो ये उनके विधायक की जिम्मेवारी है, जॉइंट रूप पे हम लोग इसी लोगों को वचनबद्ध हैं उनका सुधार करने के लिए। बच्चों की पढ़ाई का मसला बहुत गंभीर मसला है, उसके बारे में आम आदमी पार्टी है जो चल रही है, इसका भी हल जल्दी से जल्दी होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।